प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। इन दिनों में हम इस बात के बारे में चर्चा कर रहा है कि मसीह में हम कौन है, हमारा पहचान क्या है, हमारा आइडेंटिटी क्या है। ये बहुत ही जरूरी है कि हर दिन आप आपकी पहचान को अंगीकार करें। दुनिया देने वाला पहचान को अंगीकार ना करे, आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो आपके बारे में बोलते हैं उस विषयों के बारे में अंगीकार ना करे। दुनिया, शैतान, मनुष्य, परिस्थिति, मेडिकल रिपोर्ट, ये सब कुछ आपके बारे में जो बोलता है उन बातों पर ध्यान दे सकता है, लेकिन आप अपने बारे में आप इतना ज्यादा अंगीकार ना करें। आप परमेश्वर की वचन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मनुष्य के लिए दिया हुआ परमेश्वर का वचन, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर संसार का शुरुआत से लेकर संसार का समाप्ति और उसके बाद होने वाला सारे बातों के बारे में लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा होकर लिखा हुआ परमेश्वर की वचन जो आपके बारे में कहते हैं, यानी कि परमेश्वर आपके बारे में जो कहते हैं वो आपको अपने दिल में विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार करना होगा, हर दिन करना होगा। आपके विश्वास की अंगीकार बहुत ही जरूरी है। आपके विश्वास की अंगीकार, आप जो विश्वास करते हैं उसे अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको हर रोज, हर समय आप अपने मुंह से आप अपना पहचान को अंगीकार करना जरूरी है। इसलिए हम पिछले दिनों में इस विषयों को अंगीकार कर रहा था कि हम परमेश्वर का राज्य में है, हम परमेश्वर का संतान है, उसके लेखु के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, हमें पुत्र बनाया है, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है, हमें एक नई सृष्टि है और यीशु मसीह की नई वाचा में हमें शामिल कराया गया है। हम परमेश्वर का संतान है, उस अविनाशी बीज परमेश्वर की वचन से जन्मा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जन्मा है, हम परमेश्वर का संतान है। अपने आप को परमेश्वर का संतान समझना, अपने आप को शारीरिक नहीं समझना, संसारिक नहीं समझना, आत्मिक समझना, परमेश्वर की संतान समझना है। आप अंगीकार करना आपकी पहचान क्या है, हर दिन अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर से हूं, परमेश्वर से जन्मा हूं, परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं यहां पे जी रहा हूं। परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करेंगे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर की सही उद्देश्य पर आप पहुंच जाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।